हाय गाइस, दिस इज जयश्री और इस वीडियो में हम पीवोट जॉइंट जो कि हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट है उसका डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे। इससे पहले भी मैंने एक पीवोट जॉइंट का वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि मैंने हमारे हैंड रीजन में जो पीवोट जॉइंट रेडियस और अल्ना बोन के बीच में होता है उसका डायग्राम ड्रॉ करने को बताया है, तो आप चाहें तो वो डायग्राम भी रेफर कर सकते हैं। If you see carefully, it is not very important to draw skull in this diagram, क्योंकि जो movement है basically neck region की first two bones के बीच में होता है। However, when we add skull to this diagram, the diagram becomes more meaningful. पर अगर आपके पास time कम है so you that time you can avoid drawing this skull, you can directly draw the two bones which are shown over here. In reality, जो हमारी neck की first two bones हैं that is atlas and axis, ये size में जो skull है उससे काफ़ी छोटी होती हैं और कम चौड़ी होती हैं, but यहाँ पर मैंने उनको काफ़ी बड़ा और चौड़ा बनाया है। और ये दोनों बोन्स जो हैं स्कल के अंदर की तरफ थोड़ी फिट होती हैं, बट इनको मैंने स्कल के नीचे यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है। ये सभी मॉडिफिकेशंस हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए बनाया है। अगर आपको साइंस के किसी भी क्लास के किसी स्पेसिफिक डायग्राम का ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। Like, subscribe and share this video.